चाची अनुराग भाई साहब आप क्या कैसे तुम लोगों की मोहब्बत में आओ पहले गले मिलो यार छोटे भाई हो हमारे और ये लो हमारी तरफ से तोहफा ओमी की फर्टिलिटी की रिपोर्ट खबर फैलने से पहले इसको उड़ा ले आया गेस करो कहां से लेके आए हम बताएं सोहन लालगंज एसडीएम के दफ्तर से और हम मानते हैं कि गलती से भी पहुंच गई होगी ये फाइल है? हो जाता है ओमी लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम आ गए ना यूं ऐसे चुटकी में हम सब कुछ हल कर देंगे तुमने फाइल दिया है ले लिया बदला ओमी हो गई तसल्ली तुम्हें हमें बदनाम कोई बीच में नहीं बोलेगा अपनी बीवी से बात कर रहा है प्लीज छोड़ जाए छोड़ जा आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हम क्यों ऐसा हुआ क्योंकि तुम चाहती थी कि लोग तुम्हें बाज ना समझ करके हमें हमें ना मर्द बोले ओमी भैया आप देखो ढिंडोरा पीट रहा था ना तुमको चलो पीटो ढिंडोरा पीटो ढिंडोरा और सबको बता दो कि तुम्हारा पति नपुंसक है नहीं हमारे बातों से पति और सुनिए सुनिए तुमने अच्छा नहीं किया था हमने कुछ नहीं किया हमें सब पति को आगे 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 ओमी प्रधान ना मर्द है ना पुंसक है ये अंदर से दरवाजा बंद कर लिए हैं हम दरवाजा बहुत पीटे लेकिन दरवाजा खोल नहीं रहे हैं ओमी ओमी भैया ओमी भैया ओमी ओजी ओमी ओमी दरवाजा खोलिए ओमी ओमी भैया खोलिए दरवाजा खोलो ओमी कुछ गड़बड़ मत करना ओमी दरवाजा खोलो बेटा ओमी अरे बेटे उमी को अगर कुछ हुआ ना तो आधे की कसम उमी की एक एक खून का बदला तुम्हारे परिवार का खून बहा के ले गए दिमाग में बिठा लो अपने पापा जी हम बस दहलीज आपने पार कर दी है मर्यादा मत पार करिए और विनती है आपसे चाचा जी के करीब मत आइए नहीं जानते कि ये सब कैसे हुआ पर हम सच कह रहे हैं हमने ने किसी को कुछ भी नहीं दिखाया कुछ नहीं बताया बस मत दिखाओ हमें झूठी हमदर्दी तुम हमें प्लीज ऐसी बातें मत करिए ऐसा मत बोलिए प्लीज छोड़ो हमें का जान बहुत मुसीबत में है भगवान से प्रार्थना करो कि वो ठीक हो जाए अम्मा वो तो कर ही रहे हैं उसके लिए भी और तेरे लिए भी कि तू उस लौंडिया से निपट पाए
बचपन की सिखाई बात याद है कि लतिया के भूत पतियन से नहीं मानते हैं? हाँ। याद है अम्मा, अच्छी तरह से याद है। कहाँ हुआ चाचा जी, कहाँ बोल रही थी दादी अम्मा? खून बहुत बह गया है, अभी वो खतरे से बाहर नहीं है। चाची जी, चाची जी रोइए मत, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर बुलाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये रसीद यहाँ क्या कर रही है? चाचा जी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन आपसे एक बात कहनी है चाचा जी, आप ओमी को डांटिएगा मत, क्योंकि बेचारा पहले से ही अधमरा पड़ा हुआ है। हम मानते हैं कि गलतियां हो जाती हैं लोगों से, ये भी बात सही है, ऐसी छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े राजपाट लूट गए हैं। नहीं, अब आप ही बताइए, अगर ये रसीद आपकी वो तुनकखोर बहू के हाथ में लग जाती, उसको तो पता चल जाता कि उसकी बहन का कातिल तो घर में ही है। एंजल फार्मा हर जगह नाम आ रहा है, बार बार आ रहा है, पर कोई डिटेल्स नहीं है कि किसकी कंपनी है, ऑफिस कहाँ पे है, हमें कुछ नहीं पता। ये नाम और लोगो तो उसी फार्मा कंपनी के हैं, इसके तार नंगा दीदी के केस से जुड़े हैं, लेकिन ये ओमी भैया के पास कैसे? कदा है ये ओमी कदा, तभी आज इस हालत में पड़ा हुआ है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, हम यहाँ पे एक आंसू नहीं बहने देंगे इस घर, एक आंसू बता दे रहे हैं हम आपको। और रही बात इस पर्ची की, मतलब कि ये सबूत, इसे तो चाचा जी हम धुआं धुआं कर देंगे। ट्रेडर्स एंजल फार्मा हर जगह नाम आ रहा है, बार बार आ रहा है, पर कोई डिटेल्स नहीं है कि किसकी कंपनी है, ऑफिस कहां पे है, हमें कुछ नहीं पता। ये तो वही नाम है। माँ से उसका दूसरा बच्चा बच्ची नहीं है, हम माँ नहीं है, पर हमने एक माँ को अपने बच्चे को खोते हुए देखा। वो जख्म बहुत गहरा होता है, वो मर जाएंगे, प्लीज प्लीज उनके साथ ऐसा मत कर।
मैं बचा। क्यों पड़ी तुम बीच में? तुमसे कहा था ना कि ससुराल में बना कर रखना, क्यों नहीं सुना तुमने? हाँ जानबूझ के थोड़ी किया होगा इसने। आप चुप कर जाइए, वैसे तो आपको कुछ पड़ी नहीं है, अब उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। क्या जरूरत थी उनके निजी मामले में घुसने की तुम्हें? बोल। अरे बस करो अंजलि, अरे दिख नहीं रहा कितनी परेशान हो रही है ये? पापा हम बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ तो मदद करनी थी तो दफ्तर में कर लेती जितनी मदद करनी थी, ससुराल में अब सब रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बहू हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ससुराल का सुख और मान की संभाल कर रखना, समझती क्यों नहीं हो तुम? अगर अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो क्या काव्या कलंक लग जाएगा पूरी जिंदगी भर का, घर परिवार शादी सब तबाह हो जाएगी सब। और तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग तुझे माफ कर पाएंगे? और क्या तू खुद को माफ कर पाएगी अगर भगवान न करे कुछ हो गया तो ये अपराध का बोझ लेकर तू जी पाएगी पूरी जिंदगी? हमने कहा ना बस करो अंजलि, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सारी गलती हमारी है, ये सब जो भी हुआ है ना उसकी वजह हम है। प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए ना, देखना आप हम सब संभाल लेंगे। हमने पता किया है औरतों की भी नसबंदी होती है, हम वो करा लेंगे। रिपोर्ट्स में आएगा कि कभी हम में हम ही मां नहीं बन सकते, ये खबर ना आप सब जगह छपवा देना, फिर आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई नहीं। क्या बात है आदि? वाह, ओमी भैया की फार्मा कंपनी का नाम क्या था? हाँ वो एंजल क्लोथिंग, यही नाम था। क्यों? नहीं भाई ये नहीं हो सकता। क्या क्या नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता बा। क्या नहीं हो सकता? नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बा। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता आदि, रो क्यों रहे हो? बोलो ना क्या वो बात? भी भैया ने काव्या की बहन को मारा है। व्यापारी संगठन वाले मिलना चाह रहे मैडम। क्यों? ये काम करे संगठन वालों से कहिए कि हम उनसे नहीं मिल सकते, इंक्वायरी उनके हिसाब से नहीं होगी। आपको पता है बिजली दो बार एक जगह क्यों नहीं गिरती है? क्योंकि पहली बार की बर्बादी से ही वो जगह खत्म हो जाती है। धंधा तो आपने उनका चौपट कर ही दिया है। अब उकसाइए मत, तो पता फिर वो बौखलाहट में ना इंसान और खतरनाक हो जाता है। या आप उनकी पैरवी कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से हमें धमका रहे हैं? ना 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 ना, ना। अरे भाई आपके जेठ जी इतने तुच्छ नहीं है, मतलब हम तो बस अपने आदि की दुल्हन की चिंता कर रहे हैं। तो एक काम करिए जेठ जी, उन व्यापारियों की चिंता कीजिए, क्योंकि ऑर्डर तो अब लागू होगा। वो लोग जिस जगह पे कब्जा करके बैठे हैं उनकी वजह से आम आदमी को तकलीफ हो रही है,
लोग फुटपाथ पे चल नहीं पा रहे हैं, बच्चे स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीमार अस्पताल टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा है, दिन रात वहाँ पे ट्रैफिक जाम रहता है, गाड़ियाँ जमी रहती हैं, और केवल व्यापारियों के लालच की वजह से आम आदमी को तकलीफ हो, ये हमारे होते हुए हम होने नहीं देंगे। अभिमान और सम्मान में तनिक सा अंतर होता है, तनिक सा। रिश्ते का सम्मान करते हैं, लेकिन जब बात अभिमान की आ जाती है तो चल देते हैं। नहीं हो सकता बाबा, नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता आदि, रो क्यों रहे हो? वो भी भैया ने काव्या की बहन को मारा है। बाप सच बोल रहे हैं, एंजल फार्मा वही कंपनी है जिसने बसंतगेड़ी के हॉस्पिटल को नकली वैक्सीन सप्लाई किए थे प्रॉफिट कमाने के लिए, और डॉक्टर नव्या ने वो वैक्सीन बच्चों को दिए, 7 बच्चे मारे गए। मां गांव वालों ने दोष डॉक्टर नव्या पे डाल दिया, उनका मुंह काला किया, उन पे पत्थर फेंके, उन्हें खूनी डॉक्टर कहा, डॉक्टर नव्या ने खुदकुशी कर ली। मां कुछ गलत फहमी हुई है, वो मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। गिनोड़ी हरकत वो कैसे कर सकते हैं बाँ? गुना है ये, और सिर्फ यही नहीं, अपना गुना छुपाने के लिए उन्होंने सारे समूह भी बिठा दिए। नेताजी, नेताजी ने ये कराया होगा, हमें यकीन है कि नेताजी इन सब में मिले हैं। ये थे बाँ, डफरा था मैं उनसे, कैसे कर सकते हैं वो माँ, इतना नीचे वो कैसे गिर सकते हैं? ओमी ऐसा कर ही नहीं सकता। किया है माँ, किया है, सबूत है हमारे पास, आंखें खोली, आपका बेटा खूनी है। नहीं, हाँ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके नाम आने से वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाएंगे, और तुम्हारे मानने से वो खूनी नहीं हो जाएगा। वो बड़ा भाई है तुम्हारा, वही बड़ा भाई जो तुमको अपने कंधे पे बिठा के घुमाता चलता था, तुम्हारी गलती अपने सर पे लेता था, उसको तुम खूनी कह रहे हो? आदमी वो खूनी नहीं हो सकता, और मेरा मेरा दिल कहता है वो बिल्कुल मासूम है। अगर वो मासूम है तो इतने सारे सबूत क्यों छुपाए? पुलिस के पास रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? नहीं मालूम, नहीं मालूम मुझे। हम जा रहे हैं बा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बताओ तो सही। हम काव्या को बताने जा रहे हैं। हम मर जाएगा वो। माँ आपको बता आप क्या कह रही है, एक लड़की की मौत का जिम्मेदार है आपका बेटा। हम जा रहे हैं, हमें मत रोकिए माँ। एक बच्चा खो चुके हैं आदमी। दूसरा बच्चा, ये क्या कह रही हैं आप? अपने आईएएस बनने की जिद में आपने हमसे हमारा पहला बच्चा छीन लिया। आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमें बता देती माँ, आपका दिल हल्का हो जाता। हमने तो किसी और के साथ बांट देती। अब बांट रहे ना थी, ओमी के साथ ऐसा नहीं कर रहा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं माँ, हमसे हिम्मत मांगिए, भैया को बचाने के लिए हम काव्या के साथ गलत नहीं कर सकते, पत्नी है वो हमारी माँ, उसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। प्लीज छोड़िए हमें, जाने दीजिए। नहीं तो जाओ, बता दो सच अपनी पत्नी को, फिर उसके बाद अपनी माँ से भी रिश्ता खत्म कर लेना। आखिर मैं पहले भी बहुत कुछ खो चुकी हूँ,
घर, ये परिवार, यही मेरी जिंदगी है। काव्या की बहन मर चुकी है, लेकिन वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है, जिंदा है। उसे मत मारो, वरना मैं नहीं बचूंगी। एक आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रही हूँ अलका, तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है ना? देखो, ये करने से तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। सोच लिया हमने। लेकिन तुम तो हमेशा से कहती थी कि तुम्हें बच्चे चाहिए। कहा ना हमने सोच लिया है। देखो अलका, जहाँ हजारों औरतें बच्चे के लिए तड़प रही है लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ तुम हो जो सब कुछ ठीक होने के बाद भी ये नसबंदी करवा रही हो। नहीं चाहिए हमें बच्चा। हम दे तो रहे हैं आपको सहमति फॉर्म पर साइन करके, क्यों बार बार आप एक ही सवाल पूछ रही हैं? डॉक्टर, आप गायनेकोलॉजिस्ट से मनोवैज्ञानिक कब बन गई? आपका काम है ऑपरेशन करना, आप ऑपरेशन कीजिए ना। अलका, हम सब तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं बेटा, बहुत हिम्मती हो तुम तैयार हो ना? जी। शाबाश बेटे, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए आप। जी। अरे कितना साल सोए हम जो तुम बच्चा पैदा कर लिए। प्रीमेच्योर बेबी है, बेचारी को शरीर की गर्मी चाहिए, हम बस नर्स की हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप ठीक है? अलका हमारे घर की बहू है, हमारी जिम्मेदारी है, उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तुम ना बकवास मत करो, जबान बंद रखो अपनी, ऑपरेशन होगा अभी होगा। आप जाइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। काव्या, जाओ यहाँ से। क्या बेवकूफी है ये? डॉक्टर निकालिए इसको बाहर। सिस्टर बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। हम हमने कहा ना, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। अरे नर्स, अरे बच्चा देखो रो रहा है। हो किसी और के बच्चे को गले लगाना कितना अच्छा लग रहा है ना उमी भैया, तो ये सोचिए अपने बच्चे को गोद में लेना कैसा होगा। आपके पास ये ऑप्शन है, ये मौका आप चाहे तो ये कर सकते हैं। प्लीज ओबी भैया, अपने भविष्य के दरवाजे ऐसे बंद मत कीजिए। अलका भाभी को ऑपरेशन मत होने दीजिए। अलका, पागल की बात मत सुनो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं काव्या, छोड़ो फिर। अलका मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलो। ओबी भैया प्लीज सुनो, इसका एक बार भाभी के बारे में सोचिए। अलका तुम हमारे साथ चलो, हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। नहीं बाबा, अलका ऑपरेशन नहीं करवाएगी। हमारी कमी को छिपाने के लिए मां बनने का हक नहीं छोड़ेगी वो।
हमें माफ कर दो यार, हम मंद बुद्धि ठहरे, अकल आई देर से आई, लेकिन अब आ गई है अलका। अपना सच्चा जीवन साथी बनने के लिए हमें एक मौका दे दो प्लीज। मत बात कीजिए हमसे माँ, हमसे कोई बदतमीजी ना हो जाए। क्या गलत किया हमने? गलती है माँ, माँ के दर के नाम पे आप जबरदस्ती आप हमसे ओमी बेगी गलती पे पर्दा डलवा रही हैं। आपका बेटा एक मुजरिम है माँ, और अब हमसे एक मुजरिम का साथ दिलवा रही है। काव्या की बहन के कातिल पे आप पर्दा डलवा रही है, बाप हमें भी गुनहगार बना रहे हो। पहली बार इन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया है, सब तुम्हारी वजह से। अभी हमें बताने से क्या, जो आपके लिए लड़े हैं उनसे कहिए ना ये बात। नहीं, गुस्सा हो गए तो अभी एक बात समझ लीजिए, अपनी तारीफ सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है, और वैसे भी जो आज उमे भैया ने किया है ना, उसके बाद वो हर आदमी के लिए मिसाल और हर औरत के लिए हीरो बन गए। अलका भाभी, हाँ, बहुत कमाल लग रही हैं आप। थैंक यू। लेकिन ये लोग रह कहाँ गए, अभी तक नहीं आए। आने वाले होंगे हमें लगता है। जासु बिरह सोचहु दिन राते, रटहु निरंतर गुण गण पाते, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। काव्य, तुम्हें ये सारे मंत्र पता है? नहीं भाभी, ये मंत्री नहीं है, ये रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पे चौपाई है। पता है, जब भी नव्या दीदी घर आती थी ना वापस छुट्टियों पे कॉलेज से, तो मम्मा हमेशा आती करते हुए यही बोलती थी, तो हमें याद हो गई। चाचा जी, अरे कुचल दो, बेटा ने कम कष्ट दिया है ना, तो भतीजा पीछे क्यों रही? कुचल दो। अरे जो हम आपको बताने वाले हैं ना, क्या ही बोले, असल कष्ट तो आधी देने वाला है। ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ के लेके आ रहा हूँ जिसको सुनने के बाद ना आपके सर पे से हवाइयां उड़ने लगेंगी। अरे कौन सा गड़ा मुर्दा है, बको जो पकना है पहले हम बुझा रहे हो, बोलो। अरे वही बसंत खेड़ी वाला। जी हाँ, वो टीके की दवाइयां, बच्चों की मौत, वो नव्या बंसल बोले नहीं हूँ, नव्या बंसल की आत्महत्या, उसके बारे में पता चल गया है। इन सबका जिम्मेदार कौन है इसके बारे में उसको पता चल गया है। इसका मतलब आदि को तुम्हारे बारे में पता चल गया, पर कैसे? हमारे बारे में नहीं चाचा जी, मम्मी के बारे में पता चल गया। मम्मी के बारे में पता चल गया, बताया किसने? हमें क्या पता कौन बताया, कैसे पता चला, हम तो बस उसके मुंह से सुन के आ रहे हैं। अरे उम्मी को कहीं बरगला ना दे कोई, वो कुछ कर ना बैठे। तो दिमाग लगाइए ना इसका, कुछ नहीं करेगा उम्मी, वो आदि है, उम्मी को कुछ नहीं होने देगा। लेकिन आपको जो उपाय निकालिए, इसका हल निकालिए, सोचिए, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, सोचिए जल्दी सोचिए, नहीं तो कंकाल नाथ से घर शमशान घाट में तब्दील हो जाएगा। दिमाग लगाइए, जोर दीजिए दिमाग पे, उपाय ढूंढिए इसका। एक ही उपाय बचा, बड़ी अम्मा को फोन लगाता हूँ। अम्मा समझ रही है ना आप, इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी हमें, आप कुछ रास्ता बताइए। गैस का चूल्हा पड़ा है, पर लकड़ी जला के चूल्हे पे खाना बनाते हम, पता है क्यों? पौष्टिकता के लिए? नहीं रे, तीन तरफ से जब आग जलती है ना, तभी दाल गलती है और तभी फुलका फूलता है। तू अपना पतीला बदल, आदि को नहीं उस लौंडिया को चढ़ा चूल्हे पे, और फिर तीन तरफ से आग जला,
और अगर उसने चौथी तरफ से निकलने की भागने की कोशिश की तो हम हैं ना यहाँ लकड़ी डालने के लिए। माँ आप कहाँ थे इतने दिन? आपके बिना नानाथ हो गए थे हम। गधे को पानी तक पहुंचा दिए और पानी पीने की बजाय तो उल्टी करने लगा, तो हम क्या करें? अम्मा अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जो आप कहेंगे ना वैसा करेंगे हम। ये लड़के कव्या है ना, इसके चारों तरफ ऐसी आग लगाएंगे कि चाके भी बच नहीं पाएगी अम्मा, चाके भी बच नहीं पाएगी। ठीक है, बहुत होगी बकायती, चल रोटी खाने दे। पापा जी ये बोल रहे हैं कि इस साल बसंत पंचमी की पूजा में ओमी भैया को बैठने नहीं देंगे। नो भाई, ओमी हमारा युवा शाखा का अध्यक्ष है, पहले हम बैठते थे, अब उसका हक है बैठने का। हक तो पार्टी देती है प्रधान जी, जिस नेता के व्यवहार से पार्टी का नाम खराब हो ना तो वो पूजा में बैठने के योग्य है और ना ही वो अध्यक्ष बनने के योग्य है। हम बोले थे खुदकुशी करने, जनता को क्या मैसेज गया होगा? और हाँ, अपना इस्तीफा दफ्तर पहुंचा दीजिएगा। अपना विरोध करने का नतीजा देख लिया, बाहर वाले घर में आकर के परिवार वालों को बेइज्जत कर रहे हैं। हर बार दोष काव्या के सर मत डालिए नेताजी। आपका बेटा कौन सा दूध का तुला है? माँ, सालों की परंपरा इस साल भी बरकरार रही, बसंत पंचमी की पूजा इस साल भी इसी घर में होगी और पापा जी और ओमी भैया दोनों बैठेंगे। वादा है हमारा आपसे। बहुत हो गया अनुराग, बहुत हो गया। अजी सुनिए ना, अरे हम छोड़ेंगे नहीं इस लड़की को, बहुत खटक रही है हमें लड़की अपनी आंखों में, बर्दाश्त नहीं हो रही अनुराग, इसका कुछ करना पड़ेगा नहीं तो पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। वही तो हम भी करने आए ना चाचा जी। वैसे चाचा जी नई डीएम भात काव्या की नई बॉस का नाम है गायत्री चौधरी। क्या नाम बताया तुमने? गायत्री चौधरी, जो कानपुर से ट्रांसफर होके आई है। जी। अरे रे 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 रे, ये तो कमाल हो गया है अनुराग, वो तो अपनी ही है। अपनी मतलब चाचा जी? अरे तुम छोड़ो सारी बातें, फोन लगा फोन लगा। मंसू तुम्हें कैमरा क्यों चाहिए? फिल्म बनाओगी हम पे? इतने भी हैंडसम नहीं है यार। आदि वो हम आके बताएंगे, देखो तुम एक रूम देख लो, अच्छे से कर दो सब कुछ, हमें रील बनानी है। एक मिनट, तुम रील बनाओगी, ऑफिस भी जाओगी, पूजा में भी बैठोगी, लगता है तुम्हारे फोटो कॉपी बनाने पड़ेंगे। देखो आदि, बस आज ऑफिस आना थोड़ा इम्पोर्टेंट था, नई डीएम साहब आई हैं तो हमने सोचा एक बार मिल लेते फिर आते हैं। सब डीएम मैडम ने आपको अंदर बुलाया है। ओके। अरे सुनो, तुम्हें ये सब चाहिए क्यों? लेकिन आदि अभी हम जाते हैं, तुम्हें कॉल करते हैं बाद में। ओके। अरे बताओ तो सही। हाय। गुड मॉर्निंग मैम, मैं आए हैं। बैठ जा कुर्सी पे। हम ठीक है मैम, थैंक यू। मंत्री की बेटी की लुगाई बनके घड़ी में हम समझे खुद को, बोला ना बैठ जा। मैम क्या करना है? सुन, जे पोस्ट तने एक साल में मिली है ना, मैंने बरसों जूते घिसने पड़े थे, तो ज्यादा चौड़ी ना हो। चल बैठ जा। अरे बोला ना बैठ। जी। व्यापारियों का दुकान तुड़वाने का ऑर्डर देके सही ना किया तन्ने। किसने परमिशन दी है तुमको सरकार की सड़कों पे अपनी दुकान लगाने की? ये सड़कें सरकार ने दुकान लगाने के लिए नहीं बनाई है, लोगों के लिए बनाई है। वापस ले ले,
वरना यूं लुढ़केगी कि कूल्हे टूट जाएंगे। हम हमने दुकान ही नहीं तोड़वाई, वो बस फुटपाथ पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटवा रहे हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी है। जो ये समझौता ना हुआ ना, तो यो सीधा जाएगा बड़े साहब के ऑफिस। अब जा, जा। जी मैम। कर दिया मंत्री जी जैसा आपने कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें धन्यवाद की क्या बात है मंत्री जी, आपके एहसानों तले दबे हुए हैं हम। जे कैबिनेट की कुर्सी पे ना आते तो आज तक किसी मेज पे पड़े फाइल को घिसका रहे होते। आपकी मेहरबानी से तो आए हैं यहाँ तक। अरे नहीं 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 गायत्री जी, आपकी खूबियां बहुत हैं। हाँ बहुत मेहनत की है आपने भी। और देखिए मैं अपने दिल की बात बताऊं तुमको, हमें ना अफसर परस्त अफसर बहुत पसंद है। जी सबके सब अभी के अभी बाहर निकलिए। जीतू जी मैडम। बाहर निकालो सबको। जब तक आप ऑर्डर वापस नहीं लेंगे कोई नहीं जाएगा। अगर आप लोग अभी बाहर नहीं गए तो हम पुलिस बुला लेंगे। धमकी दे रही है, किसको धमकी दे रही है? देखते तुम कैसे निकलते हो। सुनिए, हर जो भी हो रहा है ना होने दीजिए आप, हम दोनों मिलकर चुपचाप पूजा कर लेते हैं। चुपचाप? अरे यही तो होता आया है हमारे साथ। जो आज भी हुआ हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अरे लोग तो बौड़म समझते हैं ना हमें। ऐसा ही कहते थे, अति अकलमंद और हम कवार। अरे देखो ना, अब तो नामर्द नपुंसक वो भी हो गए हम। क्यों बचाया था हमें? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आदि कैमरा ऑन करो। ओम भैया, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? हमने वो चाहिए उनके पास। नहीं हो पाएगा हमसे। अम्मी भैया, आपने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? अपनी बीवी अलका को बच्चा नहीं दे सकते हम, और ये सब जान गए। इस समाज में जिस आदमी को बच्चा नहीं होता है उसे नामर्द ही समझा जाता है काव्या। जिस पितृ सतात्मिक समाज में रहे हैं ना हम, वहाँ अगर पुरुष बाज हो तो उसकी कोई औकात नहीं है। अरे कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, तो बताओ ना हम छिपा करके ना जिए तो और क्या करें? उम्मी भैया, नपुंसकता के साथ जीना शर्मिंदगी की नहीं हिम्मत की बात। ना मर्द नहीं, आज आप और मर्दों से कहीं ऊपर हैं, क्योंकि आज आप इस बारे में खुलकर बात करके और मर्दों के मन में आशा जगा रहे हैं। ऐसे ही भीड़ में कितने मर्द होंगे जिनकी सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों की वजह से उनके दिलों में उम्मीद बनेगी, सिर्फ आपकी वजह से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.